नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपके लिए लेयर 3 एजुकेशन पे मॉक टेस्ट नंबर 11 लेकर आया हूँ हिंदी का। 10 मॉक टेस्ट मैंने करवा दिए हैं, उसमें आपके 20-20 क्वेश्चन सभी में हैं। आज मैं आपको मॉक टेस्ट 11 कराऊँगा। 200 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको टोटल मिला के। मैंने आपको हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, तत्सम, तद्भव सारे अच्छे से ट्रिक से बताया था, उसके क्वेश्चन भी करा दिए। आज अपन करेंगे 201 से लगा के 200 कहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, 220 तक। ठीक है, ये आपके आज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। आपको कितने आ रहे हैं वो कॉपी पेन लेके आपको बैठना है और उसमें लिखना है आंसर, और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर आए हैं। उससे पहले अगर किसी ने लेयर 3 एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो पहले सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन की घंटी दबाना ज़रूरी है। वहाँ पे घंटी दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ये ऐसा दिखना चाहिए। तो उसके बाद क्या आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, एक मिनट। तो आपको लेयर 3 एजुकेशन पे जाना है, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाना है, उसके बाद ये घंटी को दबाना है, उसके बाद आपका चैनल आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेंगे। उसके बाद ये आपको फेसबुक टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको हिंदी को। और किसी ने इसको शेयर नहीं किया तो शेयर करें, मैं आपको ये पूरी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगा। तो उसके लिए आप चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और आप सब ने अच्छे अच्छे कमेंट करे उसके लिए आप सभी को धन्यवाद हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ करना, मतलब तिल का ताड़ करना मुहावरे का अर्थ बताएं। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप बोलते हो ना बहुत सरल है, आज इसमें से 20 में से 20 लाख के बताओ। तिल का ताड़ करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं आप। कुछ बात को महत्व देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना, या इनमें से कोई नहीं, बताएं इसका सही आंसर क्या है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ बात को महत्व देना। तिल का ताड़ करना मतलब कुछ बात को महत्व देना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तुषाण में कौन सी संधि है बताएं। तुषाण में कौन सी संधि है, विसर्ग, व्यंजन, स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। मैंने आपको संधि भी पढ़ाई, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए, व्यंजन संधि भी बताई मैंने आपको। हमारा अगला क्वेश्चन है, निमिष, निमिष शब्द का पर्यायवाची बताएं। प्रकाश, छिद्र, क्षण, या पूर्ण, बताएं निमिष शब्द का पर्याय। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षण। निमिष का पर्याय क्या होगा, निमिष का पर्याय होगा क्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब संसार के असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वाज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है तो वह किस रस का निष्पत्ति होती है, किस रस की निष्पत्ति होती है, विभत्स रस, शांत रस, वीर रस, या कोई नहीं, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो शांत रस, शांत का स्थायी भाव क्या होता है, शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। जब संसार के असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्वाज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो वहाँ जागृत होती है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव बताएं, इसका है जुगुत्सा या घृणा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, वो जुगुत्सा या घृणा। और शांत रस का स्थायी भाव तो मैंने अभी बता ही दिया आपको, निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये बताएं उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, उत, उपा, उप, या अपरी, बताएं उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो हमारा आंसर का ऑप्शन नंबर बी, उप। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो उपाध्यक्ष में उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनता है उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो उपाध्यक्ष में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अब इसमें बताएं, मैंने तत्सम और तद्भव पूरा बता दिया था आपको। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव बताना इसमें, कपूर, कृष्ण, कर्म, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ये होगा कृष्ण, ये री की मात्रा बताई थी, ये होगा तत्सम, ये ऊपर र की मात्रा बताई थी, ये होगा तत्सम, कपूर, ये होगा तद्भव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये बताया था मैंने, अगर री और री की मात्रा होगी तो वो होगा तत्सम, और अगर
कुछ भी नहीं होगा तो ये होगा तद्भव। तो इसमें मात्रा है कपूर, कुछ भी मात्रा नहीं, तो ये है तद्भव। इसमें बताओ, मैंने आपको तत्सम और तद्भव एक से एक ट्रिक बताएं, उसके क्वेश्चन कराएं 100, है ना। अगर नहीं देखा किसने वीडियो तो वो पहले एक बार देख ले। इसमें बताओ, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, और अगर जिसने देख रखा है तत्सम तद्भव का उसने 100% सही करा होगा। ऑप्शन ए वर्तिका या बीट, वर्तिका या बाती, वर्तिका वाक, या इनमें से कोई नहीं। बताए तत्सम और तद्भव बताना है इसमें। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, व का क्या हो जाता है, व तत्सम है और ब तद्भव ही हो गया। री की मात्रा है तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये तत्सम है और ये है तद्भव। तो ऑप्शन नंबर ए व का ब बन जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बताओ, जटिल में प्रत्यय हैं जल, ल, अल या इल, बताएं। तो जटिल बताएं क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। जटिल में कौन सा प्रत्यय है, इल प्रत्यय है, जो प्रत्यय जो शब्द के बाद में जुड़ता है, जटिल इल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये बताएं, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, दीर्घ स्वरों का समूह चुनिए, अ आ उ रि आ ई उ ओ न प ट द या ई ए ए ओ। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा तो कौन सा है बड़ा, क्या बताया था मैंने, ये ऑप्शन नंबर बी आ ई उ और उ, इन्हों कहते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, अब इनके बारे में बता देता हूँ आपको हर स्वर। देखो दीर्घ स्वर पूछा आपसे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ओ, ये है दीर्घ स्वर। और अगर आपसे पूछ ले कि हस्व स्वर, हस्व मतलब छोटा, है ना, लघु छोटा, तो हस्व स्वर की संख्या है 4। क्या है, एक तो अ, एक ई, एक उ और एक ऋषि, ये है छोटे। ठीक है, और दीर्घ स्वर ये है बड़े, बड़े कौन से, आ ई ए ए ओ ओ, ये है 7। दीर्घ स्वर की संख्या अगर पूछ ले आपसे तो 7 है, हस्व स्वर की संख्या पूछ ले तो आपकी है 4, और प्लुप्त के पूछ ले तो आपके दीर्घ हस्व भी आएंगे और 7 दीर्घ भी आएंगे, तो उनकी संख्या है 8। ठीक है, ये हो गए आपके हस्व और दीर्घ। तो आपसे पूछा है दीर्घ स्वर की संख्या, दीर्घ स्वर का समूह, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं, सारे आज एक से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ पुराने। ग में री की मात्रा लगाने पर ग का कौन सा रूप होता है, ग में अपन री की मात्रा लगाते हैं तो कौन सा रूप होता है, ग्र, ग्री, ग्री या ग्र, बताएं। तो हमारा आंसर होगा ग्री, ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों एक टाइप हो गए, तो मैं आपको दो बता देने था, इसमें ग्री है ना, ये वाला लिखना था तो ये वाला लग गया। तो ऑप्शन नंबर बी प्लस सी दोनों सही है, ग्री ग्र में री की मात्रा बता लगाएंगे तो ये हो जाएगा ग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हैं। इसमें बताइए, निम्न में से कौन से वर्तनी शुद्ध हैं, गोपनीय, गोपनीय, गोपनीय या गोपनीय, बताएं इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपनीय, में छोटे की मात्रा आती है गोपनीय में, और गोपनीय ये वाला गलत है, गोपनीय ये भी गलत है, ये गोपनीय में क्या शुद्ध रूप है गोपनीय का, गोपनीय, छोटे की मात्रा आती है हमेशा, बड़ी की नहीं आती। क्वेश्चन कैसे ये भी बताएं, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना, अशुद्ध वाक्य बताना इन चारों में से। ये लीजिए, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, प्रश्नवाचक, प्रेमचंद्र ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे, तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे और अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसमें से बताएं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा अशुद्ध वाक्य होगा, वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, यह अशुद्ध वाक्य। इसमें बताएं, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। चार ऑप्शन, तरु, पादप, विटप या सरोज, बताएं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सरोज। वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सरोज। तो ये सरोज किसका पर्यायवाची,
तो ये सरोज है कमल का, किसका पर्यायवाची है? ये सरोज है कमल का। मैं इसके कमल के और पर्यायवाची बता देता हूँ, कज, पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, वारिज, राजीव, अरविंद, ये है कमल के पर्यायवाची। ठीक है, तो इस कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो सरोज इसका पर्यायवाची नहीं, सरोज किसका है? सरोज है कमल का। मैं आपको वृक्ष के और बता देता हूँ, तरु, पादप, विटप, गाछ, पेड़ और शाखी। एक तो शाखी, ये शाखी भी याद रख लेना। ठीक है, ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं। ये बताएं आमिष का विलोम, सामिष, निरामिष, शाकाहारी या कोई नहीं? ये तो सबने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर आमिष का विलोम क्या होगा? तो आमिष का विलोम है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, निरामिष। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ण स्पर्श, देखो कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, शगोष और अल्पप्राण, इन चारों में आता है? त वर्ग, ध, द या थ? बताएं कौन सा वर्ग स्पर्श, दंत, शगोष और अल्पप्राण है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द। स्पर्श व्यंजन में भी ये आता है, शगोष में भी आता है और अल्पप्राण में भी आता है। कैसे आता है मैं बता देता हूँ। मैंने क्या बताया, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताई थी, त, थ, द और ध, थ, एक मिनट में सही से लिख देता हूँ, त, थ, द और ध, है ना? हर वर्ग, देखो स्पर्श व्यंजन में ये सब आते हैं। ठीक है, अब सगोश, सगोश में क्या बताया, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये है सगोश में। और अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, त, त, थ, द और ध, चार है ना? ये तीन मिल रहा, तीन मिल रहा, त मिल रहा, नहीं मिल रहा इसमें, इसमें मिल रहा, थ मिल रहा, त, थ, नहीं मिल रहा, द मिल रहा, ये द मिल रहा, ये द मिल रहा, हर वर्ग का तीसरा अक्षर है ना, और द, ध, द, न आता है। ऑप्शन नंबर, ये गलत है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसमें स्पर्श व्यंजन भी आ रहे हैं, सगोज भी आ रहा है और अल्पप्राण भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये मैं पूरा लिख लेता हूँ आपको, त है ना, त, थ, द, ध और न, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच। इसमें न है? नहीं है। तीन है, ये है त, ये एक नंबर, द ये चार नंबर, द ये तीन नंबर और थ ये दो नंबर, पांच नंबर है इसमें? नहीं है। ठीक है, अगर न होता तो मैं आपको फिर बताता था। अब स्पर्श व्यंजन, ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सगोश, सगोश में बताया था मैंने तीन, चार और पांच, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? सगोश। अल्पप्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। ठीक है, तो ये तीसरा अक्षर इसमें भी है अल्पप्राण में, तीसरा अक्षर सगोष में भी है। ठीक है, तो ये तीसरा अक्षर, और तीसरा अक्षर दंत में भी है। पांचवा अक्षर तो नहीं है ना, न तो नहीं है ना इसमें, इसमें न तो नहीं है ना। अगर यहाँ ऑप्शन न होता तो मैं ऑप्शन नंबर न सही हो जाता अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी वाला, जो स्पर्श में आते हैं, सगोष में आते हैं और अल्पप्राण में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ये तो सबने लगा दिया होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चूर्ण, छिद्र, ज्ञान और छत, बताएं कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन नंबर डी, र की मात्रा आ रही है तत्सम में, ये र की मात्रा आ रही है तत्सम में, क्षत्र ज्ञ ये आ रही है तत्सम, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, उसमें छत आ रहा है, छत, तो ये है तद्भव। उर्दू किस भाषा का शब्द है? जर्मनी, तुर्की, अरबी या फारसी, बताएं उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है तुर्की भाषा का। रिक्शा, बताएं रिक्शा किस भाषा का शब्द है? चीनी, रूसी, जापानी या जर्मनी? रिक्शा, तो रिक्शा है जापानी भाषा का, अपन रिक्शा कहते हैं ना, तो ये जापानी भाषा का शब्द है। इसका बताओ, पंडित का स्त्रीलिंग बताएं, पंडिताइन,
पंडितानी, पणितान या इनमें से कोई नहीं। तो पंडित की स्त्रीलिंग होगी पंडिताइन। आखिरी क्वेश्चन आज का ये लीजिए, किस वाक्य में अपादान कारक हैं? चाकू से फल काटा, हिमालय में गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर मारा। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, से कारक, मोहन से अब सहा नहीं जाता। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से, संप्रदान, के लिए, अपादान, से, अलग होने के अर्थ में, संबंध, का, की, रे, अधिकरण, में, पर, और संबोधन, हे, ओ, अरे। आपसे पूछ ले कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 8 प्रकार के, मैंने 8 ही प्रकार बता दिए। इसने पूछा किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान मतलब से अलग होना, तो मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये सी आ गया, तो ये है अपादान कारक। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, मैंने उसे पुस्तक दी, ज्योति रोती है, या उसकी कमीज है, बताएं इसका सही आंसर। ये आज आपको मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं और इसका आंसर पूछा है, इसका अकर्मक क्रिया कौन सी है, ऑप्शन नंबर ABCD में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF फाइल मिल जाएगी, या मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको रोज़ आपको PDF फाइल देता हूँ, या आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना 9753749986, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना तो मैं आपको हिंदी की PDF व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। और जिसने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो देख लें, क्योंकि 10 मॉक टेस्ट करा दिए हैं मैंने, आज का 11वां है, आज 201 से हैं, आज आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं, और जो एक क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर बताना है, ठीक है। और जो जो भी कमेंट करता है उसको तहे दिल से धन्यवाद है, आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थे आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।